सो फ्रेंड्स, अगर आप भी जो है एक सबसे सस्ता सबसे चीप क्वालिटी का जो है आरसी हेलीकॉप्टर ढूंढ रहे हो तो गाइस इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सबसे चीप और सबसे सस्ता आरसी हेलीकॉप्टर। सो गाइस, अगर आप जो हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जो है आरसी हेलीकॉप्टर खरीदने जाते हो तो गाइस वहाँ पर जो है आपको ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो है आपको 1000 से लेकर 1500 रुपये के बीच में मिलते हैं। बट गाइस आज जो है मैं आपको एक ऐसा हेलीकॉप्टर लेकर आया हूँ जो कि गाइस आपको ओनली जो है 392 रुपीज़ में जो है मिलने वाला है, और ये कहाँ मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहेगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है कपिल पटेल और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देन गाइस, वीडियो अगर आपको जरा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है हमारे चैनल पर इसी तरह की अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह देखने को मिलती रहती हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये रहा हमारा बॉक्स जो कि मीशो की तरफ से हमें रिसीव हुआ है। सो इसकी मैं आपको प्राइस दिखा देता हूं, तो यहां पर आप इसकी प्राइस देख पा रहे होंगे। इसकी जो प्राइस है वो है 392 रुपीज़, जो कि काफ़ी कम प्राइस है, काफ़ी चीप प्राइस में इसे मैंने ख़रीदा है। वाय द वे, हम इसे जल्दी से जो है कट कर लेते हैं। एंड गाइस, वेट की बात करें तो काफ़ी लाइट वेट है इसमें, ज़्यादा कुछ वेट नहीं है। सो चलिए जल्दी से इसे ओपन करके देखते हैं। सो आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये 3 कलर्स में जो है आपको अवेलेबल होता है। सो इसे मैंने जो है येल्लो कलर में जो है परचेज किया था। सो हमें जो है इसमें कुछ इस तरह का बॉक्स देखने को मिलता है। सो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर साइड लिखा हुआ है एक्सेसरीज, जो कि इसका ब्रांड है, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है इंडक्शन फ्लाइट, और ये इसका मॉडल नंबर दिया गया है जो कि है LH-1802R। सो ये इसका मॉडल नंबर है, और यहाँ पर इसके फंक्शन वगैरह दिए गए हैं, एंड बॉक्स के पीछे साइड भी इसके वही फंक्शन दिए गए हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलते हैं। सो इस बॉक्स को हम जल्दी से जो है कट करते हैं। सो ज़्यादा कुछ खास पैकिंग में ये नहीं आता है। सो ये हमारा आरसी हेलीकॉप्टर है, ये हमारा आरसी रिमोट है, और साथ ही जो है इसे चार्ज करने के लिए यहाँ पर हमें चार्जिंग केबल प्रोवाइड की गई है। सो बात करें इसके रिमोट की तो काफ़ी छोटी साइज में जो है हमें मिलता है। एंड गाइस, काफ़ी अच्छा माल की बात ये है कि आपको जो है 392 रुपीज़ के बजट में जो है आपको इसमें सेंसर भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही जो है आपको रिमोट भी इसमें देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। और इसे चार्ज करने के लिए हमें इसमें माइक्रो USB चार्जिंग केबल जो है इसमें प्रोवाइड की गई है। सो ये जो है फुल्ली प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, एंड इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी यूनिक सा है, एंड इसमें जो है आपको फोल्डेबल प्रोपेलर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें के LED प्रोवाइड की गई है। सो यहाँ पर हमें जो है फुल्ली प्लास्टिक मटेरियल इसमें देखने को मिलता है। सो अगर इसकी वेट की बात करें तो काफ़ी लाइट वेट है ये, एंड इसका जो वेट है वो तकरीबन 25 ग्राम के आसपास जो है इसका होगा। एंड इसके नीचे की साइड जो है यहाँ पर हमें एक सेंसर दिया गया है, यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन हमें दिया जाता है। जैसे ही इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो है इसकी जो फैन है वो यहाँ पर ऑन हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा रिमोट। सो हम इसमें जल्दी से जो है सेल डाल लेते हैं। सो इसे हम डाल लेते हैं। सो यहाँ पर हमने इसमें बैटरीज डाल ली हैं। सो यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का बटन दिया जाता है। सो हम इसे ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, एंड इसे भी जो है ऑन कर लेते हैं। सो इसे सिर्फ आपको इन दोनों को ऑन कर देना है, ये ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर अपने रिमोट के साथ जो है कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे ही यहाँ पर मैं वही बटन दबाऊंगा तो ये जो है चालू हो जाएगा। सो देख पा रहे होंगे आप। सो अभी इसकी बैटरी जो है वो डेड हो चुकी है। सो हम इसे चार्ज कर लेते हैं। सो यहाँ पर इसमें माइक्रो USB जो है आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जैसे ही आप चार्ज में लगाते हो तो यहाँ पर रेड कलर की LED जो लाइट है वो यहाँ पर ब्लिंक होने लगती है। इसमें हमें 20 मिनट्स का जो है चार्जिंग टाइम दिया जाता है। सो इसे हम अभी 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट के बाद अब ये जो है फुल चार्ज हो चुका है। सो अब जो मैं आपको इसे फ्लाई करके दिखाता हूँ, एंड देखते हैं कितनी टाइम तक जो है ये फ्लाई करता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शाबाश। सो फ्रेंड्स, इसे इंडोर में जो है फ्लाई करना थोड़ी मुश्किल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे जो है आप आउटडोर फ्लाई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
सो अगर आप इसे एक बार चार्ज कर लेते हो तो आप जो है इसे 15 मिनट्स तक जो है बड़ी इजीली जो है फ्लाई कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर आप इसकी आवाज़ वगैरह सुन पा रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी ये करता है। सो फ्रेंड्स इसमें हमें जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलेंगी, जैसे कि इसको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, सेंसर सही से वर्क नहीं करना। सो गाइस 392 रुपीज़ में आप इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप भी जो है इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इससे बेटर क्वालिटी का लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आई होप कि गाइस आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह देखने को मिलती रहती हैं, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, वंदे मातरम।